भारतीय इतिहास में वैदिक काल के पश्चात छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनसे न केवल विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ बल्कि कालांतर में लगभग भारत के एक विशाल भूभाग पर अपना शासन स्थापित करने वाले मौर्य साम्राज्य की भी स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो ऋग्वैदिक जन थे उन जनों का स्वरूप परिवर्तित होकर एक नया रूप ग्रहण करने लगा और विभिन्न जन आपस में संयुक्त होकर जनपद बन गए और धीरे धीरे इन जनपदों ने अपने भूभाग को और विस्तृत किया और कालांतर में महाजनपद की स्थिति ग्रहण कर ली। इस तरह छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होते हैं उनमें पहला जो बिंदु है कि इस अवधि में जो वैदिक साहित्य था उसका अंतिम जो रूप था स्वरूप था उपनिषद, तो लगभग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपनिषदों की रचना समाप्त हुई, क्योंकि उपनिषदों का जो विषय है उपनिषदों में आध्यात्मिक विषयों को महत्व प्रदान किया गया है और आत्मा परमात्मा के संदर्भ में जो चर्चा हुई उसने भी एक नए चिंतन को जन्म दिया और जिसका परिणाम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए दो महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन जिनके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ये भी हमें छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखने को मिलता है। राजनीतिक रूप से इस अवधि में पहली बार निर्दिष्ट जो भूभाग थे जो जन थे उनमें एक बड़ी राजनीतिक शक्तियों के रूप में जनपदों का उदय हुआ तथा जनपदों से जो महाजनपद बने तो ये महाजनपद एक राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आए। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस अवधि में हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पहली बार उत्तर भारत के अनेक अंचलों में नगरों की स्थापना हुई, अर्थात अनेक नगर विकसित हुए, इसलिए इसे भारतीय इतिहास में एक प्रकार से द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। इन नगरों में जैसे श्रावस्ती आदि जो महत्वपूर्ण नगर थे, सुग्र नगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये महत्वपूर्ण नगर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दो महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन भी हुए और इन आंदोलनों ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर भी अपना प्रभाव डाला और राजनीति को भी प्रभावित किया। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हमें देखने को मिलती है वह है इस अवधि में 16 मांजल पदों का उदय।
जो कि राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। जो ये 16 मांजलपत थे, इनकी स्थिति क्या थी, इनके जानकारी के स्रोत क्या हैं, इस बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। जो भारतीय साहित्य है उसमें इन महाजनपदों के बारे में विभिन्न ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। इनमें जैसे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, दीघ निकाय, मंझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, सुत निपात तथा महावस्तु से भी इन महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो महाकाव्य हैं जैसे रामायण और महाभारत, तो रामायण और महाभारत में भी इन महाजनपदों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। पुराणों से भी इन 16 महाजनपदों के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य हमें जानने को मिलते हैं। अब महाजनपदों का जो अस्तित्व था वह कैसे सामने आया, अर्थात महाजनपदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विद्वानों का मानना है कि प्रारंभ में जो वैदिक जन थे, तो जन से लोगों का जो जन थे एक प्रकार से कबीलाई जो स्वरूप था जन का, तो कबीले के लोगों का जन से एक विशेष लगाव था। बाद में जन का स्वरूप विस्तृत हो गया और वह जनपद बन गए। पाणिनि ने अपने ग्रंथ में लगभग 40 जनपदों का उल्लेख किया है। ये सभी जनपद उत्तर भारत में ही स्थित थे तथा इनमें से कुछ कुछ जो है इनके उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों से बाहर भी फैले हुए थे। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सभी जनपद उत्तर भारत में थे, बल्कि कुछ उत्तर भारत की सीमा से बाहर भी फैले हुए थे। कालांतर में जनपद का स्वरूप विस्तृत हो गया और वे महाजनपद बन गए। महात्मा बुद्ध के समय लगभग 16 महाजनपद अस्तित्व में थे और अंगुत्तर निकाय में इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। जनपद का जो अर्थ है उसे विभिन्न विद्वानों ने इस तरह स्पष्ट किया है, जन या जाति विशेष का जहां पद रखा जाए, अर्थात एक कबीले का जहां पद मनी उसका जहां अधिकार क्षेत्र निरूपित हो, निर्दिष्ट हो कि ये इस जन या जाति का अधिकार क्षेत्र है, तो उसे ही भौगोलिक दृष्टि जनपद कहा जाता है। इस तरह जन या जाति विशेष का जहां पद अथवा अर्थात पैर रखा जाए, अर्थात यह एक जन समूह का निर्दिष्ट इलाका होता है, इसलिए जनपद का भौगोलिक वैशिष्ट्य भी स्पष्ट अंकित रहता है। जन समुदाय के लिए अनुकूल आवास का अंचल ही जनपद होता है। जनपद कहने से किसी राजशक्ति के शासन के अधीन जनों की बस्तियों से भरे इलाकों का भी बोध होता है, अर्थात जहां जन जो विभिन्न जन जो लोगों की बस्तियां हैं उससे भरे इलाके को भी हम जनपद कह सकते हैं। महाजनपद अर्थात महाजनपद से किसी बड़े भूभाग एवं इस भूभाग पर समर्थ प्रतापी राजनीतिक शक्ति का बोध होता है, अर्थात जिस भूभाग पर एक वैभवशाली एक प्रतापी शासक शासन कर रहा हो उसे हम महाजनपद कह सकते हैं। और इस तरह 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। इनमें जैसे काशी, कोसल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पांचाल, अवंती, अश्मक, गांधार, काम्बोज, वजी और मल, ये जो महत्वपूर्ण 16 जनपद हमें देखने को मिलते हैं। इन 16 महाजनपदों की जो स्थिति थी
उसे हम इस मानचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इनमें जैसे जो इधर हम पूर्व की ओर से जो देखें तो अंग जो बिहार में स्थित था, जिसकी राजधानी चंपा थी, फिर ये इधर मगध, राजगीर जिसकी राजधानी थी, ब्रिजी बज्जी जिसको वैशाली जिसकी राजधानी थी, मल कुशीनारा जिसकी राजधानी थी, कोसल श्रावस्ती, काशी उसकी राजधानी काशी ही थी, वत्स जनपद, फिर चेदी जनपद, ये पांचाल, इधर कुरु, इधर ये सूरसेन जनपद, इधर राजस्थान की तरफ मत्स्य जिसकी राजधानी विराट थी, इधर अवंती जो मध्य भारत में स्थित था, उज्जैयनी उसकी राजधानी थी, और इधर जो हम देखते हैं गोदावरी के किनारे एक अस्मक जनपद स्थित था, और साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर दो महत्वपूर्ण जनपद थे गांधार और काम्बोज। तो इस तरह ये 16 महाजनपद हमारे मानचित्र द्वारा स्पष्ट होते हैं और इनकी जो स्थिति थी वह इस तरह हमारे समक्ष मानचित्र में हमने मानचित्र द्वारा उनकी स्थिति को स्पष्ट किया है। जो ये 16 महाजनपद थे उनकी जो स्थिति थी अभी हमने मानचित्र में उनकी स्थिति को निरूपित किया है, उसको समझा है कि कौन सा जनपद भारत के मानचित्र में कहां पर स्थित था। जो काशी, इनमें जैसे काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी वाराणसी थी और यह वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो वाराणसी है उसके आसपास का इलाका इसके अंतर्गत था। इसी तरह कोसल जो महाजनपद था वह लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच जनपद जो आधुनिक जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनमें स्थित था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसी तरह जो अंग महाजनपद था यह वर्तमान बिहार का जो पूर्वी भाग था, भागलपुर के आसपास का इलाका इसमें सम्मिलित था और इसकी राजधानी चंपा थी। मगध जो महाजनपद था यह दक्षिण बिहार में स्थित था और इसकी राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान राजगीर जिसे कहा जाता है, वह मगध महाजनपद की राजधानी थी। कालांतर में मगध एक विशाल साम्राज्य बना और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी, जिसे हम आधुनिक पटना शहर के रूप में जानते हैं। चेदी जो महाजनपद था यह वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा उसके आसपास के इलाके में फैला हुआ था, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसी प्रकार जो वत्स महाजनपद था यह इलाहाबाद तथा उसके आसपास फैला हुआ था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित था और विराट या बैराट नगर इसकी राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद मथुरा के आसपास के इलाकों में फैला हुआ था और इसकी राजधानी मथुरा थी। इसी प्रकार कुरु महाजनपद वर्तमान दिल्ली तथा इसके निकट के क्षेत्रों में विस्तृत था और इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। पांचाल जो महाजनपद था यह वर्तमान रुहेलखंड का जो वर्तमान रुहेलखंड है उसका इलाका इसमें सम्मिलित था, अर्थात बरेली के आसपास का क्षेत्र पांचाल महाजनपद में स्थित था और इसकी राजधानी कांपिल्ले थी। अस्मक महाजनपद वर्तमान नांदेड़ जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो नांदेड़ जिले के आसपास अस्मक महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी गोवर्धन कई विद्वानों ने माना है इसको, यह गोदावरी की घाटी में स्थित महाजनपद था। यद्यपि कुछ विद्वानों ने अस्मक महाजनपद को सिंधु के मुहाने पर भी असनिकाय के रूप में माना है, परंतु अधिकांश विद्वान अस्मक महाजनपद की स्थिति
महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे ही मानते हैं। अवंती जो महाजनपद था यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित था और इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी। गांधार महाजनपद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसमें पेशावर, रावलपिंडी आदि इसमें सम्मिलित थे। इसी तरह जो काम्बोज महाजनपद था वह वर्तमान पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था। और दो जो अन्य महाजनपद थे उन दो महाजनपदों के बारे में हम यह भी जानना चाहेंगे कि इन दो महाजनपदों में जो उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी, जो शासन तंत्र था, उसे गणतंत्रात्मक शासन कहा गया है। इनमें वज्जी और मल ये दो ऐसे महाजनपद थे जहां उस समय गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। अर्थात जो ये 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी और दो में वज्जी और मल जो दो ये महाजनपद थे इनमें गणतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी। वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था और इसी तरह जो मल था यह 2 गणराज्यों का संघ था। वज्जी जो गणराज्य था, वज्जी जो महाजनपद था यह उत्तर बिहार में स्थित था और नेपाल की तराई भी इसमें सम्मिलित थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और इसमें मैंने जैसे कहा कि 8 अन्य गणराज्य इसमें सम्मिलित थे। इसी तरह जो मल्ल महाजनपद था यह कुशीनारा, इसकी राजधानी कुशीनारा और पावापुरी इसकी राजधानी थी और यह वर्तमान गोरखपुर के आसपास इस आसपास और कुशीनगर के क्षेत्र में यह फैला हुआ था। इस तरह इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है विभिन्न ग्रंथों से, उससे इनकी भौगोलिक स्थिति और मानचित्र में इनकी स्थिति को हमने स्पष्ट किया कि किस तरह भारत के विभिन्न भागों में ये महाजनपद स्थित थे।